मुझ करो तेरी आराधना हो, तेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, हथियार उठाऊं और युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जय का चिल्लाऊं, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ जब कुछ करूं
तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से भी तेरी आराधना हो, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं,
Jump.
आज सुबह हम इस एक ऐलान के साथ सिर्फ भलाई हमारे जीवन के जिस भी स्तर पर हम हैं, हमें समझ में ना आए, हमें लगे ना लगे, पर सिर्फ भलाई करने वाले यीशु, हम सब हालेलुया अपने मुंह को खोलकर अपने हाथ को उठाकर हम अपने आप से बोले सिर्फ भलाई। मैं मेरे पीछे मुड़कर देखूं, मुझे नहीं समझ में आता, तो भी मैं कहूंगा सिर्फ भलाई। हालेलुया। मैं अपने विवाह को देखकर कई बार सोचती हूं पर हालेलुया के ऊपर मैं कहूंगी फिर भी सिर्फ भलाई। हालेलुया। मेरे बच्चों की अवस्था को देखकर, मेरे बच्चों की जीवनों को देखकर हालेलुया मुझे कहने का नहीं होता, पर फिर भी मैं कहूंगी सिर्फ भलाई। हालेलुया। ओ रबा शंदरा दला रबा रबा। सब लोग अपने मुंह को खोल कर कहें हालेलुया। पिछला सप्ताह आपका अच्छा गया हो ना गया हो, तो भी हम हालेलुया आज सुबह हालेलुया कहेंगे सिर्फ भलाई। विश्वास से हम कहेंगे सिर्फ भलाई करने वाला यीशु से मैं मिलने के लिए आज आया हूँ, मैं उसके चेहरे को देखने के लिए आया हूँ, उससे मुलाकात को पाने के लिए आया हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2022 का कौन सा महीना है? ऐसा नहीं लग रहा कि साल अभी चालू ही हुआ था, सब खत्म हो गया है। मैं सोच रहा था कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ, एक महीना दो महीना फट 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 करके निकल गया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, साल के जाने की स्पीड भी क्या होती जाती है, बढ़ता चला जाता है। मैं सोच रहा था, छोटे थे तब बहुत लंबा टाइम लगता था, एक साल यानी बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल मालूम ही नहीं पड़ रहा कि स्टार्ट कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है। 2022 के शुरुआती दिनों में जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने हमें एक पद दिया था 2022 के लिए, वो था सीजन ऑफ डिवाइन फेवर, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का वर्ष। 2020 से लेकर प्रभु इस प्रकार के शब्दों को देता रहा, और अपन हर साल एक एक टैग वर्ड या एक थीम वर्ड को हम लेते आए, और प्रभु के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को 2022 के अंदर में और आप देख पाए। 2020 बड़ा ही डरावना था, 21 भी उसी एक माहौल के अंदर था, लेकिन 2020 में परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हम देख पाए। पर अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, थैंक गॉड फॉर हिज डिवाइन फेवर, ईश्वरीय कृपा दृष्टि, ईश्वरीय कृपा दृष्टि। जहां पर मैं और आप लायक नहीं थे, जहां पर मैं और आप योग्य नहीं थे, हमारे परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, हमारे परमेश्वर ने हमें पहुंचाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योग्यता से बढ़कर, हमारी बुद्धि से बढ़कर, हमारी समझ से बढ़कर हालेलुया हमारा परमेश्वर हमें लिए चलता रहा। और मैं विश्वास करता हूं कि 2022 के इस 12वें महीने के आरंभिक सप्ताह में यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है, तो परमेश्वर की एक योजना मेरे और आपके जीवन के अंदर है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के उस ईश्वरीय कार्यक्रम के भाग है, वी आर पार्ट ऑफ दैट डिवाइन एजेंडा, उस ईश्वरीय कार्य योजना के पार्ट में और आप है। वही कारण है कि 2022 में आज के दिन हम जीवित यहां पर पाए जाते हैं। हालेलुया। अन्यथा कितनी सारी चीजें हम सबके जीवन से होकर पिछले वर्षों में होकर गुजरी, बीमारियां आई, दुर्घटनाएं आई, अकेलापन आया, निराशाएं आए, बेबसी आए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े आए, समस्याएं, सब कुछ हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर हमें बचाता रहा, हमें निकालता रहा, और हमें उसने यहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। 12वें महीना दिसंबर महीने में हमें और अधिक प्रार्थना में समयों को व्यतीत करना है। पिछले 11 महीने में यदि आपको लग रहा है आप ढंग से प्रार्थना नहीं कर पा, ये महीना आपके लिए है, अधिक समय प्रार्थना में बिताने के लिए एक निर्णय आप लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि पिछले 11 महीना मैं वचन को सही रीति से पढ़ नहीं पाया, इस महीने में लग जाइए वचन को पढ़ने के लिए, आप समय को निकालिए। हालेलुया हालेलुया। कौन जाने कब कहां पर एक ईश्वरीय मुलाकात मेरे और आपके जीवन के अंदर आ जाए। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों पहले प्रभु के दास पास्टर चाको वर्गीस ने हमें रूत की पुस्तक में से कुछ बातों को सिखाया था। इस साल के आरंभिक दिनों में भी मैंने जब इस थीम को मैं समझा रहा था, आपको रूत की पुस्तक से बताया था कैसे परमेश्वर रूत को कहां पे ले आया, एक ऐसे खेत के अंदर ले आया जिस खेत में पहुंचने की योग्यता उसके जीवन में नहीं थी।
हालेलुया। और वहां पर वो पहुंची, जो लोग जो गेहूं बटोरते हैं, जो नीचे गिर जाता है, दानों को बटोरने वाली एक स्त्री के रूप में रूथ उस खेत में एंटर तो जरूर करती है, लेकिन जब वो कहानी समाप्त होती है, रूथ उस खेत की स्वामिनी बन जाती है। हालेलुया, दैट्स डिवाइन फेवर। वह है ईश्वरीय अनुग्रह। आपकी योग्यता नहीं थी, आपकी खूबी नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो रूथ कह रही थी मैं श्रापित हूं, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे प्रभु के लिए एक निर्णय को मुझे लेना है। हालेलुया, दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी क्यों न कहे, आपका समाज आपके बारे में चाहे कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा इस 12वें महीने में कहता है, योर वन डिसीजन कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपका एक निर्णय आपके गंतव्य को बदल सकता है। हालेलुया, उसका एक निर्णय, उसका एक निर्णय उसके जीवन को कहां पर पहुंचा दिया, यीशु मसीह की वंशावली के अंदर लाकर उसको स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया। और जब मैं उस पुस्तक को अध्ययन करता हूं, और अक्सर मैं जब बाइबल कॉलेज में उस चीज को सिखाता हूं, मैं बच्चों को बोलता था कि अब्राहम की बुलाहट से भी बढ़कर है रूथ के विश्वास का कदम, क्योंकि अब्राहम कहेगा मैंने प्रभु की आवाज को सुना, परमेश्वर ने मुझे वायदे दिए थे कि तू घर बार को छोड़ेगा तो मैं तुझे बड़ा करूंगा, आशीषित करूंगा, लेकिन रूथ कहेगी मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मेरे पास में कोई प्रॉमिस वर्ड नहीं था, कहीं कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने सुना और उस सुनी हुई बात पर उसने विश्वास कर दिया। यदि एक ऐसा परमेश्वर है तो मैं तैयार हूं उस प्रभु के पीछे चलने के लिए, विदाउट एनी प्रॉमिसेस इन हैंड। अपने हाथ में उसके पास में कोई प्रतिज्ञाएं नहीं थी, देयर वाज नो ऑडिबल वॉइस, कोई ऑडिबल वॉइस उसने नहीं सुना, कोई दर्शन उसने नहीं देखा, कोई स्वप्न उसने नहीं देखा, लेकिन उसने जीवन में एक निर्णय लिया और अपने सास से कह दिया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां पर तू मरेगी वहां पर मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां पर मुझे भी मिट्टी दी जाने पाए। और उस एक अडिक निर्णय के सामने स्वर्ग झुक गया और रूथ को कहां पर लाकर बैठा दिया, यीशु मसीह की वंशावली के अंदर लाकर स्थापित कर दिया। हालेलुया, वह है ईश्वरीय कृपा दृष्टि, डिवाइन फेवर। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, कौन जाने परमेश्वर कब कहां पर किसको खड़ा कर दे और उसके द्वारा अपनी महिमा को इस देश के अंदर प्रभु का आत्मा प्रकट कर दे। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि हम एक एक्साइटिंग समयों में से होकर गुजर रहे हैं। कलीसिया इतिहास के अंदर इससे बड़ा एक एक्साइटिंग सीजन शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था, और विशेष करके भारतीय कलीसिया के इतिहास में मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा का एक नया आंदोलन, एक गहरा आंदोलन परमेश्वर इस देश के अंदर करने जा रहा है, और उसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। दाऊद जंगलों में रहता था, लेकिन परमेश्वर की नजर उस पर थी, उचित समय पर परमेश्वर उसे कहां पर लेकर आ गया, मुख्य धारा के अंदर लेकर आ गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस कलीसिया में यदि आप आए हैं, इस महीने में, इस सीजन में आप इस कलीसिया के भाग हैं, तो परमेश्वर एक कार्य योजना के अंतर्गत आपको लेकर आया है। भारत के अलग अलग जगहों से परमेश्वर आपको उठा करके, आपको अनरूट करके आपको यहां पर लेकर आया है, और इस जगह के अंदर यदि प्रभु ने आपको इस मौसम में रखा है तो आप यह समझिएगा एक भाग आपका भी। हालेलुया, पवित्र आत्मा के इस आंदोलन के अंदर एक भाग आपका है, एक भूमिका आपकी है, आपकी पीढ़ियों की है, और परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। इसलिए इस 12वें महीने में अधिक प्रार्थना, अधिक उपवास, अधिक वचन, क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को पाना है। आपके जीवन का श्राप में से आप आशीषों के उस श्रृंखला में स्थानांतरित होना है। आप आपके दम पर नहीं आ सकते, ईश्वर कृपा दृष्टि आप पर आना है। हालेलुया, रूथ अपने दम पर नहीं आ सकती, लेकिन ईश्वर कृपा दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ी, रूथ की स्थिति बदल गई, उसकी अवस्थाएं बदल गई। भजन संहिता 46 हमने पढ़ा, इसके अंदर 11 आयतें हैं, साम 46, और इन 11 आयतों के अंदर यदि हम समझे तो एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफे, एक वैश्विक उथल पुथल के बारे में हम यहां पर देखते हैं।
और उस वैश्विक उथल पुथल के बीच में एक प्रभु का जन कैसे बना रह सकता है, कैसे खड़ा रह सकता है, उसके बारे में इस अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं। एक चिड़िया जो पेड़ पर बैठती है, कहां बैठती है? पेड़ पर बैठती है। मान लीजिए डाली टूट जाए तो चिड़िया को डरने की जरूरत है? क्यों डरने की जरूरत नहीं है? डाली पर बैठी है ना, वो तो बैठी तो डाली पर है ना। क्योंकि चिड़िया का भरोसा उस डाली पर, बैठी जरूर डाली पर है, बैठी जरूर डाली पर है, लेकिन चिड़िया को मालूम है मेरा भरोसा इस डाली पर नहीं है। ये डाली टूट भी जाए तो मेरे दो पंख है, उन पंख की सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, मैं उड़ान को भर सकता हूं। हालेलुया। ये भजन एक ऐसे चिड़िया का भजन है जो कह रहा है मेरा भरोसा डाली पर नहीं है। हालेलुया। मेरा भरोसा मेरे पंखों के ऊपर है और वो पंख मुझे क्या करते हैं, ऊपर की ओर उड़ाते हैं। क्या आपको मालूम है आपके अंदर जितने लोग यहां बैठे हैं ना, आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य है जो दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है कि आपके शरीर को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को परास्त करके आपको बाहर लेके जा सके ना। आप मुझे पूछे कभी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पूछे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत सीधी तरीके से बात किया जाए तो एक ताकत है इस पृथ्वी की जो आपको क्या करती है, आपकी ओर खींचती है, आपकी ओर खींचती है। और आपको मालूम है इस ताकत की खासियत क्या है, वो चाहता है कि आप इसके बिल्कुल करीबी में आके गिरो। एक व्यक्ति जब नीचे गिरता है ना तो कैसे गिरता है, धड़ाम देके गिरता है, बैलेंस बिगड़ा कि आप नीचे गिरे। तो ये जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमें क्या करता रहता है मालूम है, आपको अपनी ओर खींचता रहता है। देयर इज अ पुल, वो अपनी ओर खींच रहा है। तो हमारा शरीर को ये पृथ्वी क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। हमारे मन का विचारों को ये संसार अपनी ओर खींच रहा है। संसार का पाप, संसार की गंदगी, प्रलोभन, धन दौलत, ये सारी चीजें क्या कर रही है, अपने अपने तरीके से हमें अपनी ओर खींच रही है। वास्तविकता में जब हम यहाँ पे चल फिर रहे हैं ना तो बहुत सारी ताकतें क्या कर रही मालूम है, हमको अपनी ओर खींच रही है। और उनकी मनसा क्या है कि वो हम पर हावी होना चाहते, हमको अपने अधीनता में करना चाहते हैं। लेकिन इन सारी ताकतों के ऊपर आपको विजय दिलाने के लिए आपके अंदर कुछ हो रहा है। हालेलुया। आपके भीतर कुछ हो रहा है और उसका कार्य क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद यह है कि ये जो अपोजिंग फोर्सेस है, ये जो विरोध की ताकतें हैं, उनको एक एक करके परास्त करके आपको एक उड़ान के लिए तैयार कराया जा सके। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए तैयार कराना है, एक उड़ान के लिए तैयार कराना है। अब आपका शरीर स्वाभाविक रीति से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के अंदर अधीन रहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है कि इस बॉडी को वो ट्रांसफॉर्म कर दे, इस शरीर को रूपांतरित कर दे कि वे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पराजित कर दे, ताकि आपका शरीर हवा में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा कार्य मेरे और आपके अंदर हो रहा है। आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए, बट दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। हालेलुया। और वो जो ताकत जो आपके अंदर कार्य कर रही है ना, उसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। क्या बोलते हैं हम उसको, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। जोर से बोले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। थोड़ा और जोर से बोले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अंदर कार्य करता है, अंदर से हमें रूपांतरित करता है और हमें धीरे 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 करके हमें तैयार करता है कि हम उड़ान को भर सके। हालेलुया। रॉकेट का प्रक्षेपण आप में से कुछ लोगों ने टीवी में देखा होगा, क्योंकि आप जाके तो कभी देख नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाया और मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने देखा होगा, लेकिन टीवी के अंदर जरूर देखा होगा कि रॉकेट जो है हवा में क्या करता है, उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान भरने से पहले उल्टी गिनती चालू होती है,
देखा आप, काउंटिंग 1 2 3 करके नहीं होता है, उल्टा काउंट चालू होता है, 10 9 फिर 8 7, तो काउंट डाउन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हम? काउंट डाउन। और जैसे वो फाइनल होता है तो वो जो रॉकेट जो सीधा खड़ा हुआ होता है ना, उसके अलग अलग अटैचमेंट होते हैं, वो एक एक करके दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे लास्ट काउंटिंग में आता है, सारे अटैचमेंट दूर हो जाते हैं और वो रॉकेट क्या कर लेता है? ऊपर की ओर उड़ान भरता है, उड़ान भरता है। हालेलुया। कलीसिया के लिए शुभ संदेश है, काउंटडाउन आरंभ हो चुका है। हालेलुया। द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, वहां से काउंटडाउन आरंभ हो चुका है और वहां से अंत के दिन का आरंभ हो चुका है। द लास्ट डेज हैव बिगन फ्रॉम द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन अंत का दिन क्या हो गया? आरंभ हो गया है। तब से लेकर अब तक कौन सा डेज चल रहा है? अंत के दिन चल रहे हैं, काउंटडाउन चल रहा है। लेकिन परमेश्वर अपनी दया में उस काउंटडाउन को स्लो कर देता है, काउंटडाउन को डिले करता है, ताकि मैं और आप बच जाए, मैं और आप समझ जाए कि हमारी बुलाहट इसलिए नहीं है कि हम डाली पर कंफर्टेबल होकर हम बैठ जाए, लेकिन हमारी बुलाहट इसलिए है कि हमारे पंखों को हम वो मजबूती प्रदान करें, क्योंकि डाली तो टूटना है, आज नहीं तो कल यह डाली टूटेगी और हमें उड़ान भरना है। जिसके पंख मजबूत है वे ही उड़ान को भर पाएंगे। हालेलुया। डाली में कितना सुंदर घोंसला बनाया, डाली के ऊपर क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की, इससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वचन स्पष्ट है कि पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो जाने वाली है। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी हमें एकत्रित करे यह सब एक दिन बिखरना ही है, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है इन समयों में मैं और आप तैयार हो जाए, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में और आत्मा में हम बलवंत हो जाए, कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाए कि जब ये सारी चीजें बिखर जाएगी हम कह पाएंगे मेरा परमेश्वर मुझे ले जाएगा, मेरा परमेश्वर एक उड़ान के लिए मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये भजन में क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। मेरा शरण का स्थान है, वो मेरा बल है। 2022 के अंदर जब संसार आधुनिकता के चरम सीमा पर है, हमने विश्व में युद्धों को देखा, विश्व में युद्धों को देखा। हालेलुया। कैसे एक राज्य दूसरे राज्य को तहस नहस करने के लिए तैयार हो गया, उन बातों को हमने देखा, हम उसके गवाह बन रहे हैं। हालेलुया। 50 साल पहले लोग अनपढ़ थे, गवार थे, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी लोग आपस में एक दूसरे को खत्म करने के लिए, जान बचाने के लिए लोग घरों के अंदर बंकर में घुसकर रहते हुए नजारों को मैं और आप देख पाए। 2023 में हमें नहीं मालूम क्या होगा, आने वाले वर्षों में क्या क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरी और आपकी गवाही होनी चाहिए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बोले अति सहज, जोर से बोले अति सहज। आजकल अपने पास में हेल्पलाइन नंबर होते हैं ना, टोल फ्री नंबर होते हैं, कुछ भी अचानक जरूरत पड़ जाए तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो, पुलिस को कॉल कर सकते हो। और अक्सर अखबारों में हेडलाइंस आती है कि पुलिस को कॉल किया लेकिन 2 घंटे बाद में पुलिस पहुंच रही है, फायर वाला लेट पहुंच रहा है, जब सब कुछ जल के खत्म हो गया इसके बाद में फायर की गाड़ी पहुंच रही है। ऐसे कई खबरों को हम इधर उधर सुनते हैं, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। ओके। लेकिन वचन कह रहा है संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, संकट संसार में आ सकता है, समस्याएं आ सकती है, लेकिन आज की सुबह खुशखबरी यह है, संकट में अति सहज से हमारी सहायता करने वाला एक परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए आज की सुबह उपलब्ध है। हालेलुया। वो अपने दूतों को आज्ञा देता है,
वह हमारी सेवा टहल करने के लिए स्वर्ग दूतों को वो आज्ञा देता है, वह अग्नि को दीवार के समान हमारे चारों ओर स्थापित करता है ताकि मुझे और आपको वह सुरक्षित रख सके। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें इस बात पर भरोसा करना है, इस बात की गवाही हमें देते रहना है कि हमारा भरोसा अपने आप पर नहीं है, हमारा आश्रय हमारी परिस्थितियों पर नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा शरण का स्थान है, हमारा परमेश्वर हमारा बल है और हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। आपको उसके लिए कोई मन्नत मांगने की जरूरत नहीं, आपको कोई उपवास में 25 दिन या 40 दिन बैठने की जरूरत नहीं, जब आप पुकारेंगे आपकी पुकार को सुनकर आपके लिए उतर आने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो हम जो उपवास इसलिए नहीं कर रहे कि प्रभु की सहायता का हाथ प्रकट हो जाए, उसके लिए हमको उपवास नहीं करना प्रियो, हमें उपवास इसलिए करना है कि हम हमारे परमेश्वर को पहचान जाए कि हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो हर समय हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर आपको कहीं पे आग लग जाए तो आपको जाकर फायर ब्रिगेड को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जाकर फायर ब्रिगेड वाले को यह कहने की जरूरत नहीं है भैया पानी लेकर आना, सीढ़ी लेके आना, रस्सी लेकर आना, ये कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है। फायर ब्रिगेड में सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, आपको क्या मालूम करना है, आपको नंबर मालूम होना चाहिए कि कौन सा नंबर डायल करने से फायर ब्रिगेड आ जाएगा। आज समस्या क्या है मालूम है, कलीसियाओं में भी समस्या, सेवकों को भी समस्या, हम फायर ब्रिगेड बनाने में लगे हुए। प्रभु ने कहा वो काम तो भैया मैंने तुझे सौंपा ही नहीं था, तू कर भी नहीं सकता। अपन फायर इंजन खरीद रहे, पानी का टैंकर बना रहे, सीढ़ियां बना रहे, पूरे प्रोजेक्ट में लगे हुए। प्रभु कह रहा क्या गड़बड़ हो गया, जो काम मैंने सौंपा नहीं था वो काम ये कर रहे, तुम्हारा काम वो नहीं है। तुम्हारा काम 40 दिन की उपवास प्रार्थना, क्या कर रहे हो, फायर ब्रिगेड तैयार कर रहे, पानी की टंकी बनवा रहे, सीढ़ियां बनवा रहे, रस्सियां बनवा रहे। प्रभु कह रहा वो काम कुछ नहीं था भैया, वो तो मैंने करके रखा हुआ है। तुम्हारा उस 40 दिन के उपवास में काम केवल इतना है, लोगों को समझाओ कि तुम्हारे लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सीढ़ियां है, टैंकर है, सब कुछ है, तुमको कौन सा नंबर डायल करना है केवल वो सिखाना है। हालेलुया, कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारी सहायता कैसे आएगी, कहां से आएगी, कौन मदद करेगा, किधर से आएगा, वो टेंशन हमारा नहीं है। हमारा तो काम एक ही है, जब जीवन में समस्या आती है छाती पे हाथ रख के बोलो पिता प्रभु, प्रभु कर देगा। मैं एक्साइटेड हूं बहुत, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी गवाही के साथ में यहां खड़ा हूं। आज मुझे भी 10 बजे कहीं जाना है और मेरे खाते में केवल 3000 रुपये थे, मेरे खाते में केवल 3000 रुपये थे और मुझे अभी कहीं जाना था। मैं सोच रहा था प्रभु मैं डीजल कहाँ से भरूंगा। और इस हॉल में घुसने से पहले ही एक बंदे का फोन मेरे पास में आया कि संतोष सर आपका पेटीएम अकाउंट नंबर मुझे देना है। मैंने कहा चलो दे देते। मैंने वो अकाउंट नंबर दिया। मैं इस हॉल के प्रभु के सामने कह रहा, मैं इस हॉल के बाहर खड़ा होकर मैं सोच रहा था कि यहां से मैं गाड़ी लेके निकलूंगा डीजल कैसे भरूंगा, हाथ में 3000 रुपये ही है, मतलब अकाउंट में मेरे 3000 रुपये ही है और मुझे कोयम्बतूर तक जाना है। और मैं इस होल के अंदर घुसने से पहले ही मेरे फोन पे मैसेज आया और जितना मुझे चाहिए जाके आने का मेरे को प्रभु ने रास्ते खोल दिया। मैंने फोन करके बोला नहीं, मैंने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजा, मैंने कोई रिमाइंडर नहीं डाला कि मुझे जाना है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो चीज है, लेकिन मेरे प्रभु को मालूम था मेरी जरूरत कब है और कहां पर कैसे प्रबंध करना है। हालेलुया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं धन के बारे में बोलना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, हम इन दिनों में इस बात को जाने कि हमें एक ही काम करना है, प्रभु को पुकारना है, वह हमारा स्वर्गीय पिता है, वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, सहायक है, और वो अपनी सहायता के हाथ को बढ़ाता है। उसके लिए वह कौवे को बोल सकता है, विधवा को बोल सकता है, हवा को बोल सकता है, मछली को बोल सकता है, पेड़ पौधों को बोल सकता है, किसी को भी आज्ञा दे सकता है, गधे को भी बोल सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। अब अपनी समस्या क्या है, अपन को एक बार एक गधे ने हेल्प किया था, अगली बार अपन गधे के चक्कर में है। या कहीं कौवे ने मदद किया तो अगला प्रोजेक्ट कौवे को ढूंढ रहे अपन कि कौवा आना। प्रभु की कहा भैया हर बार कौवा नहीं आएगा, हर बार कौवा नहीं आएगा। विधवा ने मदद किया तो अगले बार से प्रोजेक्ट विधवा, फिर हम विधवाओं को तलाश रहे क्योंकि विधवा ने प्रभु की कहा भैया ये सब ढकोसलेबाजी बंद करो, तुम्हारा काम ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा बल हूं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। सीख मी, मुझे ढूंढो, मेरी खोज में रहो तो तुम जीवित रहोगे। कोई बथेल को जा रहा है, कोई दान को जा रहा है, कोई बर्शेबा को जा रहा है, लेकिन परमेश्वर इज़राइल के लोगों से कह रहा है तुम्हें दान में नहीं जाना, तुम्हें बथेल में नहीं जाना, तुम्हें बर्शेबा में नहीं जाना, तुम मेरी खोज में रहो तो तुम जीवित रहोगे। 2022 के 12वें महीने में परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है इस मौसम में हमें परमेश्वर की खोज में रहना है। यदि आप उपवास करते हो, यदि आप समय को व्यतीत करते हो, आपकी सांसारिक जरूरतों के पूर्तिकरण के लिए बैठना बंद करो। प्रभु कह रहा है कि मेरे लोग मेरे मुख को तलाशने के लिए, मेरी करीबी में आने के लिए यदि वे तैयार होंगे तो मैं उनके जीवन में स्वर्ग से सारी भरपूरी को दे दूंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर में चंगाई देता है, परमेश्वर में आर्थिक आजादी देता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम गरीब रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम झोपड़ियों में रहे, परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है, आपके बच्चों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि देर इज ए वे फॉर इट, उसका एक रास्ता है, और रास्ता यह है कि हम प्रभु की करीबी में आना आरंभ कर दें। जैसे जैसे हम उसकी करीबी में आ जाएंगे, हम ये समझ जाएंगे कि हमारी सारी समस्याओं के बीच में उत्तर पाने का एक ही जरिया है, और वो जरिया है टू बी इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आना। तो यहां पर भजनकार कह रहा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दूसरा पद क्या मालूम है, इस कारण क्या लिखा है हमको, जोर से पढ़िए, जिसको डर नहीं वो पढ़े जोर से, हमको थोड़ा बहुत या कोई, जोर से बोले हमको कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए। आप सोचो यहां तो अपन भूकंप का नाम सुनते डर लग रहा है, इकोनॉमिक मंदी का नाम सुनते डर लग रहा है, कुछ लोग चुनाव के चक्कर में डरे हुए कि अब हमारा क्या होगा, वहां से वो कानून बन रहा तो कोई डर रहा है कि अब हमारा क्या होगा, कानून को बदलने के लिए कोई 40 दिन बैठ गया, कोई सरकार को गिराने के लिए कोई 21 दिन बैठ गया। परमेश्वर कह रहा मूर्ख लोग मेरे वचन को ही समझ नहीं पाए, मेरे वचन को ही, प्रभु कह रहा है कि अरे भैया पृथ्वी भी उलट जाए तो उलट जाने दो, तुम डरते क्यों हो, मैं हूं ना। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, पृथ्वी भी उलट जाए तो उलट जाने दो, मैं हूं ना। हालेलुया। जिसने लाजर को कब्र में से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया, वो परमेश्वर कह रहा है आई एम देयर, मैं हूं। अब्राहम के संतान नहीं थे और प्रभु कह रहा है तेरे पीढ़ियों को मैं आशीष देने जा रहा हूं। सोच के देखिए, अब्राहम कहेगा यार मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, अब कोई चांस ही नहीं है, लेकिन प्रभु तो कह रहा नहीं मैं तो करूंगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, जब आपको लगता है कि अब टाइम ओवर हो चुका है, अब गेम ओवर हो चुका है, मेरा प्रभु कहता है भैया ओवर नहीं हुआ है, आई एम गोइंग टू स्टेप इन, अब तो मेरा गेम चालू हुआ है। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। प्रियो संसार में जब लोग कहेंगे अब सीजन खत्म हो गया, अब इंडिया में काम नहीं होगा, अब जागृति नहीं आ सकती, कलीसिया इतिहास के स्वर्णिम दिन बीत गए, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा बेटा ऐसा नहीं है, अब तो काम आरंभ होगा, अब मैं अपने कार्य को प्रकट करूंगा, अब मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा और मेरी लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, प्रभु ये सब कैसे हुआ। हालेलुया।
सो इन दिनों में कलीसिया से प्रभु कह रहा है कि हमारे अंदर से कौन सी आत्मा निकलना है? जोर से बोलिए, कौन सी आत्मा निकलना है? डर का आत्मा हमारे अंदर से निकलना है। तो हमें उपवास किसके लिए करना है मालूम है? पैसों के चक्कर में उपवास नहीं कर रहा है। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही इसलिए उपवास में बैठते हो? नहीं, 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 मकान नहीं है, मकान बन जाए इसलिए उपवास करो। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च बिल्डिंग चाहिए इसलिए उपवास करो? नहीं, 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 हमें उपवास करना, प्रभु हमारे अंदर थोड़ा डर है, इस डर को तू बाहर निकाल दे, हमारे अंदर से डर को तू हटा दे, डर का इलाज कर दे, क्योंकि वो डर चला गया ना फिर तो हम गिदोन के समान खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु गिदोन से कह रहा है 300 वो थे यार, क्यों टेंशन कर रहा है? बड़ा मस्त एपिसोड है, उसको आप पढ़ के देखो मालूम पड़ेगा। बड़ी भीड़ थी, उसको हटाया, लास्ट में 300 खड़े हो गए, तब भी गिदोन को प्रभु कह रहा है कि काम कर, अब 300 से बचे हैं, तू शत्रु की छावनी में जाना, डर लगे तो एक सेवक को भी साथ में ले लेना। वो अकेला नहीं गया, सेवक को साथ में लेके गया, इसका मतलब उसके अंदर भी क्या था? डर था। और वो गया और शत्रु को प्रभु ने स्वप्न दिखाया, गिदोन को नहीं दिखाया, शत्रु खेमे में गया, बाहर से सुना, तो दो लोग अंदर बैठकर उन्होंने जो स्वप्न देखा उसका डिस्कशन कर रहे हैं। हालेलुया। कि एक रोटी लुढ़क लुढ़क के आ रही है और उसने क्या कर दिया? पूरे तंबुओं को उखाड़ करके फेंक दिया। किसने? एक रोटी ने। उसका इंटरप्रिटेशन भी वही कर रहे हैं, उस स्वप्न का अनुवाद भी वो लोग ही कर रहे हैं कि यार ये रोटी और कुछ नहीं, ये गिदोन है, उसकी तलवार है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वर्तमान परिस्थितियों में आपको लग रहा है कि बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, वो उथल पुथल इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को ये मालूम पड़ गया है परमेश्वर का एक कार्य इस देश में होने जा रहा है, और जो कि रोटी लुढ़क लुढ़क के कुछ तंबुओं को हिलाने जा रही है, ये स्वप्न कलीसिया नहीं समझ पाए लेकिन अन्य लोगों को अंदर आ गया है। परमेश्वर ने उनके अंदर भय डाल दिया है और भयभीत होकर कई प्रकार की योजनाओं को, कई प्रकार की पद्धतियों को लोग निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कहना चाहता है यह समय आ गया है, हमें निर्भय होना है, भय रहित होना है, उठ खड़े होने का मौसम है यह। हालेलुया। इस कारण हमको बोले कोई भय नहीं, जोर से बोले कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। अब सोच लीजिए, आप इससे बढ़कर कोई ट्रेजिक न्यूज मिलेगा क्या आपको? चाहे पृथ्वी उलट जाए तो भी किसकी जरूरत नहीं है, बोलो ना, अरे बोलो तो सही, किसकी जरूरत नहीं है? अपन तो फिर यह बीमारी की खबर सुनते, पिछले दिनों में पापा वगैरह का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी मारी, पलटी नहीं मारी, टेढ़ी हो गई, ये सब चीजें हुआ, लेकिन जब ये न्यूज मेरे को मालूम पड़ा पर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, ठीक है, इट्स ओके, गॉड इज देयर, प्रभु है, संभाल लेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे और आपके अंदर एक भरोसा होना चाहिए कि हमने प्रभु पे भरोसा रखा है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? परमेश्वर ने जिसके लिए जो आयु निर्धारित करके रखी है तब तक प्रभु संभालेगा, और जब प्रभु का समय आ जाएगा प्रभु क्या कर लेगा? बुला लेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, फिर टेंशन करके जीना क्या है? हर दिन मजे में रहो, प्रभु में आश्रित रहो, इस भरोसे के साथ में रहो कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को अपने हाथों में नियंत्रित रखता है। हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ कहां डाल दिए जाए? समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठा, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। दूसरे शब्दों में सब कुछ धराशाही हो जाए, सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाए, कहीं कोई किरण नहीं हो, ऐसे समय में भी भक्त कहेगा मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। उस चिड़िया के समान जो कहेगी मेरा भरोसा डाली पर नहीं है, डाली तो टूटना है, डाली तो टूटना है। देखिए संसार में जब हम रहते हैं ना, आप देखिए क्या लगता है कि ये सब चीजें हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? पुराने महलों को कितने लोगों ने देखा है? चुंडावाड़ा में एक महल है ना, अपने यहां पे भी कई महल है,
एक जमाने में राजा लोग उसमें रहा करते थे, आज भूत बंगला बन गए। क्या बन गए? आज भूत बंगला बन गए। क्यों बने साहब? परमेश्वर हमें बता रहा है इस दुनिया में सब यहीं कहीं रह जाने वाला है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में क्या होना है? एक आशा होना है, एक भरोसा होना है, एक यकीन होना है। और आगे लिखा है, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में क्या होता है? आनंद होता है। जोर से बोलिए, आनंद होता है। तो हमारे अंदर से भय जाना है और क्या आना है? आनंद आना है। बोलो भय नहीं। जोर से बोले भय नहीं लेकिन आनंद। ये पवित्र आत्मा देता है। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, उसका इंडिकेशन क्या है मालूम है? उसका इंडिकेशन क्या है? अन्य भाषा अगर अपन बोलते हैं, चिन्ह चमत्कार भी बोलते हैं। वो कह रहे, पिछले मैं किसी से बात करता साहब, मुझे वो ताकत चाहिए कि आप यहां खड़े होकर यूं बोलो तो हम नीचे गिर जाए। मैंने कहा यार जोरदार बात है यार ये। सीधे लोग हैं, उन्होंने कहीं देखा तो उन्हें लगा कि वैसा ही होना चाहिए, जब तक आदमी नीचे नहीं गिरेगा तब तक ताकत। क्योंकि आजकल टीवी में सब वो यूट्यूब में चलता रहता है ना, पादरी साहब हाथ मारते सब नीचे गिरते हैं। तो वो प्रिय एक भाई, मैं उसको आगे बोला कि पादरी साहब मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि मैं भी ऐसा करूँ, ऐसे लोग गिर जाए। अब मैंने कहा चलो प्रार्थना करो, हो सकता है ऐसा हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपके अंदर वास्तविकता में पवित्र आत्मा है या नहीं, ये कब मालूम होता है? ये कब मालूम होता है? जब सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और वहां भी आप खड़े रहते हैं इस भरोसे के साथ में कि मेरा प्रभु मेरे साथ में है। दुख है, चैलेंज है, लेकिन एक भरोसा है, मेरा प्रभु मेरे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में क्या होता है? आनंद होता है। जोर से बोले आनंद होता है। थोड़ा जोर से बोले आनंद होता है। प्रभु हमारे भय को हटाना चाहता है और हमारे अंदर क्या डालना चाहता है? आनंद डालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी ढलने का नहीं, पो फटते ही परमेश्वर क्या करता है? उसकी सहायता करता है। हालेलुया। पो फटते ही परमेश्वर की सहायता का हाथ क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार है? प्रभु हमारे अंदर से भय को हटाना, बीमारी का भय, एग्जाम का भय, नौकरी का भय, लोगों का भय, मंच का भय, कई प्रकार के भय है। कुछ लोग बैठ के सोचते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा तो यार कैसे होगा, क्या होगा। घर के अंदर से निकल नहीं रहे, क्यों? डर है। गाड़ी लेके बाहर जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाऊंगा, तब क्या होगा? जिस पापा वगैरह का भी एक्सीडेंट हुआ, तब अगली बार गाड़ी लेके जाते और सब, अब मत जाना एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी बोलना नहीं ऐसा, कभी नहीं बोलना। निराशा की बात क्यों करनी? ठीक है, गाड़ियां हैं, टकराते होता रहता है सब चीजें, तो सॉल नेचुरल थिंग्स, उसमें कोई ज्यादा उलझने की बात नहीं है। पास्टर रजी के को थोड़ी चोट लगी, लेकिन मैं उस प्रभु के दास से मैं जो पिछले दो दिन में कुछ सीखा जो मैं बता रहा हूँ, उनके ये कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया, ये कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया, उनके हिप के अंदर एक इंटरनल चोट आई। लेकिन वो बंदा एक्सीडेंट साइट से जैसे उसको खड़ा किया, वहां से वो अन्य भाषा बोलता रहा, और थ्रू आउट उस बंदे के मुंह से एक नकारात्मक बात नहीं निकली। अगर मैं और आप होते तो कितनी गालियां बकते, प्रभु के काम के लिए मैं गया था और मेरे साथ में एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रभु नहीं चाहिए। लेकिन वो बंदा बड़ा कूल होके वो प्रार्थना करा, और वहां भी मेरे को, मैं जब उनको लेके हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं थे और मैं उनको जबरदस्ती लेके जा रहा था, तो भी मुझे बोल रहे संतोष एक जागृति आने वाली है, क्या तू तैयार है क्या उसके लिए? और वो आदमी मुझसे नबूत कर रहा है वहां पे, दर्द में उनका पैर हिल नहीं रहा, यूं से यूं नहीं हो रहा, लेकिन वहां भी जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हमें प्रार्थना करना अपने दिनों में पवित्र आत्मा के। मैंने कहा यार आदमी होता है ऐसा है, अपन तो सब टाइम पास वाले हैं। अब उनकी वाइफ से मैंने सोचा कि यार कैसे फोन करके बात करूंगी, वो तो टेंशन करेगी। उनकी वाइफ तो बड़े कूल हुए, बोलिए प्रभु के काम के लिए गए हैं, प्रभु ने किया है, प्रभु देख लेगा, क्यों टेंशन करना है।
और वो बोलते मेरा तो प्रार्थना का स्लॉट है 12 बजे तक चर्च में प्रार्थना, मैं चर्च में प्रार्थना बैठी हुई हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई हाय तोबा नहीं, कोई रोना नहीं, कैसे आओगे, कहाँ लाओगे। उनको ने एक बात बोली, अगर सरकार का एक व्यक्ति सरकारी ऑफिस में जाता है उसके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन मन की जिम्मेदारी है? मेरा पति प्रार्थना के लिए गया था, अगर दुर्घटना हुई प्रभु देख लेगा। मतलब मैं उनको थोड़ा संकोच में बात करने की कोशिश करता, सिस्टर कैसे, तो वो तो कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा, ठीक है हुआ है, प्रभु संभाल लेगा। मेरा तो प्रार्थना का स्लॉट है 12 बजे तक, मैं चर्च में प्रार्थना बैठी, उसके बाद बात करेंगे। ना उन्होंने उनके पति को फोन किया, ना पति ने उनको फोन किया, उनका स्लॉट खत्म होने के बाद में उन्होंने आपस में बात की। भैया ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। उनके अंदर क्या कार्य कर रहा है? अपने तो गाड़ी का टायर पंचर होते ही अपन ने धमाल कर दी, यहां पर छोटा मोटा गड़बड़ होते ही अपन हाय तोबा मचाने लग गए। लेकिन परमेश्वर इन दिनों में कहता है कलीसिया को लौट आना है, प्रभु के करीबी में लौट आना है, भय चला जाना है, मेरे और आपके अंदर एक आनंद आना है, आनंद के अभिषेक से परमेश्वर मुझे और आपको भरना है। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु यीशु के नाम सबको मैं परमेश्वर सलाम देता हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हुई एक बड़ी बड़ी गवाही है, हालेलुया। परमेश्वर सबकी रक्षा करने वाला परमेश्वर, एशियनबी की पुस्तक 41 अध्याय उसके 10 वचन पढ़ करके मैं आगे बढ़ू। एशियनबी 41:10 जरा पढ़ी, एशियनबी 41 एशिया 41:10 थोड़ा हिंदी में पढ़िए कोई। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर मत आक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूँगा। परमेश्वर संभालने वाला, रक्षा करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर। आप सबको मालूम है पिछले मार्च 30 तारीख के बाद में उठना चलना बहुत तकलीफ हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मदद किया, अक्टूबर महीने से वापस कार्यक्षेत्र में जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पिछले कोविड से पहले हम राजस्थान की 33 जिला कवर करके प्रार्थना प्लान बनाए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण 10 जिला छूट गए थे। हमने सोचा इसके बाद अभी चलेंगे, प्रभु ने हमको इकट्ठा किया, हम 5 जन एक साथ हम से निकले। राजस्थान की 10 जिला कवर करने के बाद मध्य प्रदेश और यूपी का भी कुछ जगह जाना था, उसके बाद हमने सोचा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केवल किसी जगह पर कहीं भी घूम घमर के प्रार्थना करने के लिए प्लान बनाया। हम निकल चुका, प्रभु ने हमारे साथ रहा, इतना अनुग्रह, इतनी खुशी, इतनी आनंद हमें मिला था उस यात्राओं में। हर एक जगह पर परमेश्वर कार्यों को देखने के लिए अवसर मिला। जब राजस्थान की आखिरी जिला धौलपुर में जब हम लोग गया, हमारा दिल इतने खुशी से भर गया। वहाँ में एक गांव में, एक हमने सोचा गांव में कोई मसीह लोग नहीं होगा, उस गांव में जाकर के हम प्रार्थना करने के लिए प्लान बनाया। जब हम गाड़ी से उतरा, मोटरसाइकिल से एक जन आकर के बोला आप लोगों को प्रार्थना के लिख रहे, आप प्रार्थना करना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। हम वहाँ गया, हम एक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एक सेवक कार्यकर्ता, उसके बारे में सुना था लेकिन पता नहीं, उसको देखा भी नहीं था। जब उस जगह में हम लोग गया, वहाँ 10-15 लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने
हमके साथ मिलकर प्रार्थना अवसर में मिला, लेकिन उसके बाद वो मालूम पड़ा कम से कम 10,000 से विश्वासी उस जगह पर प्रार्थना में आता है। एक महीने में केवल कम लोग ही बैठ सकता है, 5,000 लोग ही वहाँ बैठ सकता है। वो ऐसे बना कर रखा है फर्स्ट संडे आने वाले, फिर अगले 3 संडे नहीं आना, शिफ्ट एक एक संडे का शिफ्ट है। 5,000 से ज़्यादा लोग संडे को जमा होता है, अगले संडे दूसरा झुंड, इसके दूसरा, ऐसे 4-5 शिफ्ट में लोग जमा होता है। आराधना के तुरंत बाद वहाँ से लोग दूसरा गांव में चले जाते हैं। वो बातचीत में हमको मालूम पड़ा इतना एक बेदारी उस गांव में हो रहा है। धौलपुर और यूपी से भी 1,000 लोग वहाँ करके आराधना में शामिल होता है, बपतिस्मा लेते, बहुत प्रभु का काम चल रहा है। कोई समय सीमा नहीं है, 24 घंटे आराधना चलते रहते हर जगह पर, गांव गांव में। हमको भी बड़ा ताजुब लिखा, 24 घंटे लगातार रात हो दिन हो देखता नहीं लोग प्रार्थना में इकट्ठा होता है। परमेश्वर ऐसे कार्य करते हुए हमको देखने के लिए अवसर मिला, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए हमको भी अवसर मिला, हमको भी जोश आ गया है, काम आगे प्रभु कर रहा है। उसके बाद हम यूपी में घुसा, मथुरा वृंदावन में गया, वहाँ भी हम कुछ घंटे प्रार्थना करके, जब वृंदावन में से निकल रहे थे लोग आकर हमको बपतिस्मा लेना है, 10-50 लोग तैयार बपतिस्मा लेने के लिए, तो हमने बोला अभी नहीं दूंगा, हम आएंगे नेक्स्ट महीने में जनवरी में आके बपतिस्मा दूंगा। 10-50 लोग वहाँ तैयार होकर बपतिस्मा तैयार खड़ा है, क्योंकि कई बार मैं जा चुका हूँ शहर में, इसलिए लोग मुझे जानता था। लोगों ने बोला हमको आपके बपतिस्मा आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला हम पानी में उतर नहीं सकता अभी तौर तक। नहीं नहीं आपको भी उतरना पड़ेगा पानी के अंदर, आपके हाथ से उनको देना है। मैंने बोला ठीक है आता हूँ जनवरी में, वापस आकर आप बपतिस्मा देंगे। प्रभु ने हमने इसे वहाँ से निकल करके सीधा हरियाणा चला गया। हमको कहाँ जाना है कोई ठिकाना नहीं है, तो हम जो समय मिले जहाँ जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे, वापस आ। इसी प्रकार से किसी के पास जाना नहीं सोचा, लेकिन चलते चलते हमने वहाँ फिरोजपुर मोगा नाम गांव में पहुँच गया। वहाँ जो जॉन हेड 1940 के आसपास जो प्रार्थना में बैठे थे, वहाँ उस जगह पर चला गया। वहाँ उसने जहाँ प्रार्थना, एक ही आत्मा मुझे देना करके प्रार्थना करने वाला आत्मा, क्योंकि कई साल काम किया कोई आत्मा बेचा नहीं, लेकिन उसने आकर ऐसे बोला मुझे एक ही आत्मा को देना है करके घुटने में बैठ कर प्रार्थना किया। कई दिन तक उस जगह पर उनके घुटने का निशान पहुँचा हुआ है। वहाँ जो ईंट का बनाया हुआ फर्श था, उस फर्श के अंदर उनका पाँव का जो घुटना का निशान उतर रहा। इतना घंटे तक हम प्रार्थना में बैठे हुए थे उस जगह देख करके, हम इतना रोया प्रभु हम ऐसे कहाँ प्रार्थना करते इस आदमी के समान। उसके बेदारी आज हरियाणा पंजाब हिंदुस्तान में हो रहा है। परमेश्वर ऐसे कार्य करता है, प्रार्थना में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। उत्तर मिले ना मिले प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर समय पर उत्तर देगा। परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। उसके बाद उनको पंजाब से लुधियाना से फ़ोन आया आपको इधर आना, हमने हमारे पास लुधियाना में आने के लिए समय नहीं है, हमको वापस जाना है करके, वहाँ कुछ जगह में घूम करके प्रार्थना करके हम सीधा पंजाब में कई जगह पर गया, वहाँ देख करके वहाँ भी प्रार्थना किया। उसके बाद सीधा चंडीगढ़ आ गया, तो चंडीगढ़ में हमारे पुराने कई दोस्तों को मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना खुश हो गए वे लोग हमको देख करके। उनके साथ रात भर रहा, उसके बाद सवेरे जब निकलने सोचा तो हमारा पुराना एक टीचर का फ़ोन आया, सर हमसे मिल के बिना जा नहीं सकता है, अब हमसे मिलना ही पड़ेगा। 35 साल के बाद उस मैडम आप हमारे घर के मुझे खबर पड़ा है, हम आपसे मिलने के लिए सड़क पर आ रहा हूँ। हम सड़क पर आ गया तो पूरा परिवार हमें मिलने के लिए सड़क पर आके खड़ा था, हमारे लिए नाश्ता सब तैयार करके सब ले करके
आकर के रास्ते पर हमें रो करके अब हमारे लिए प्रार्थना करना है। 35 साल पहले स्कूल छोड़ के चला गया, उस वक्त आपकी प्रार्थना हमारे साथ रहता है, आप लोग प्रार्थना करना। हम खड़े उस सड़क पर खड़े होकर के उनके लिए प्रार्थना करके वहाँ से निकला। परमेश्वर कितने महान है। हमने सोचा फ्राइडे को डूंगरपुर आकर के आराधन शाम को मीटिंग अटेंड करेंगे करके वहाँ से निकला। जयपुर से करीब 6:30 निकले, यहाँ एयरपोर्ट के पास बातें करते करते मार रहे थे। एयरपोर्ट के पास आगे बढ़ते ही हमारा आगे का टायर बस्ट हो गया। हमने कुछ भी पता नहीं पड़ा क्या हो रहा है, लेकिन 2 सेकंड के अंदर गाड़ी जाके ऐसे हो गया है। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया। खाली एक वहाँ में एक नाली था, वो नाली में आके उतर के गाड़ी खड़ा हो गया, आगे जा नहीं पाया। यदि आगे गया होता फिर हम एक बेच नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे गाड़ी का रनिंग चल रही थी वो प्रसिद्ध साइड। लेकिन परमेश्वर ने हमारे गाड़ी को वहीं ढोका, हम सब उल्टा गिर गया, उल्टा पड़ा था, उठ नहीं पा रहे। लेकिन लोगों ने दौड़ करके आके एक एक कर को उठा करके हमको बाहर निकाला। बाहर खड़े खड़े हमने बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद करते रहा। इतना में पुलिस आकर के पूछा कितना मरा है। गाड़ी की हालत देख करके पुलिस वाला भी घबरा गए। पुलिस वाले कम से कम 2 मरा होगा करके उन्होंने आपस में बात चल रहे थे। लेकिन हमने बोला हमसे कोई नहीं मरा, हम सब खड़ा है इधर। हम 5 के 5 बाहर खड़े थे उस टाइम पर। सब ने ताजुब किया, ये चमत्कार करके पुलिस ने तो चमत्कार हुआ है आज इधर। इस गाड़ी की हालत देख करके हमने सोचा इसमें से एक भी बचा नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला। परमेश्वर की वायदा प्रभु ने पूरा किया है। प्रभु ने प्रभु की महिमा हो। हमारे भाषा तो रोई रिजी पास्टर था, वो पीछे बैठे थे, लेकिन वो भी उसको उठा करके बाहर निकाला। उसको कुछ महसूस नहीं पड़ा, वहाँ खड़े खड़े अन्य भाषा में बात कर रहे, नबूतें कर रहे। हमने बोला भद्र साहब हम नहीं भविष्यवाणी कर रहे, परमेश्वर के बेदारी भेज रहा है, बेदारी भेज रहा है, आपको प्रभु संभाल रहा है, आपके हाथ के दो काम होने वाला है करके सब भविष्यवाणी कर रहे। तो चलने में दिक्कत हो हमें मालूम है इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बोलता नहीं है, कुछ अन्य भाषा में बातें करते रह रहे, चल नहीं पा रहे। हमने ने मुझे उठाओ मत, में चलते ऐसे धीरे धीरे आगे। तो बोला मैंने कहा इधर हाथ, मैंने क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन मुझे मालूम है वहाँ थोड़ा तकलीफ हुआ। हमने अस्पताल नहीं, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, प्रार्थना करना है। तो हमने सब बोला। उधर से अभी उदयपुर से गाड़ी आया, मैं और रजय पार्श सीधा संजय पार्क के चला। वहाँ जाकर बोला चर्च में जाना है, मुझे वहाँ चर्च में प्रार्थना करना है। सीधा चर्च में चला गया तो फिनी साहब और बाबू पोल मैथ्यू और मेरिया ने बोला भद्री साहब नहीं, मुझे प्रार्थना करना, मुझे कहीं नहीं जाऊंगा, प्रार्थना करना है। आते ही भविष्यवाणी शुरू कर दी मेरिया जी से, प्रभु ने आपको आयु दिया हुआ है, प्रभु के वहाँ आगे बढ़ना है, बैठने का नहीं है। पोल्स में प्रभु बेदारी भेज रहा है, बेदारी आ रहे, यहाँ हजारों लोग आने वाले हैं, शिफ्ट बढ़ते हैं, आराधना का शिफ्ट बढ़ेंगे करके भविष्यवाणी किया। हमने सब उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर संतोष आ गया। जबरदस्त उसको लेके आसपास वहाँ जाके देखा तो यहाँ फ्रैक्चर हो चुका था। तो हमने तुरंत उनके बीवी से क्या बात करो, हम डर गए थे क्या बोले उनके बीवी से। लेकिन फ़ोन गया तो बोले मैं प्रार्थना कर रहा, मुझे मालूम है प्रभु की सभा में गया हुआ है, कुछ तकलीफ नहीं होगा, प्रभु संभालेगा, मैं बाद में बात करूँगा। प्रभु ने ऐसे विश्वास उनको दिया है। जब एक एक घर में फ़ोन किया, ये सूरत में फ़ोन किया, सूरज साली मैडम ने बोला अरे मुझे कोई घबराहट नहीं है, क्यों मुझे मालूम था होने वाला था, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाए थे गाड़ी को कुछ होने वाला है, मैं प्रार्थना कर रहे थे, कोई घबराने का जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं होगा करके उन्होंने बोला। अंबाजी फ़ोन किया, अंबाजी के मैडम ने बोला मैंने स्वप्न में देखा था प्रेस लोड़ी सारी बातों को, प्रभु आपको संभाल के रखेंगे, कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होगा, प्रभु ने हर एक को संभाला। मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ, हमारी मदद करने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है।
वचन के अनुसार यदि प्रार्थना में हम लगे रहे, प्रार्थना के जाए, प्रभु कार्य करेगा। शैतान ने रोकने बहुत कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु ने कहा जल्द के अंदर तक मैं तेरे साथ रहूंगा। वचन के ऊपर विश्वास करते हुए, वचन को मानते हुए हम आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है। मुसीबत आएगा, पीड़ा आएगा, क्लेश आएगा, दुर्घटना होगा, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता। हमारा प्राण, हमारी आत्मा प्रभु के हाथों में है, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। चाहे तकलीफ होगा तो भी घबराने का जरूरत नहीं है, प्रभु हमें हिम्मत देता है, हियाव देता है। डरने की जरूरत है कि प्रभु ने डरो मत, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। ये प्रभु हमारे संग है, प्रभु ने वायदा किया है। पिछले 55 साल इसी मुझे प्रभु ने संभाला है, तो आगे भी संभालेगा। जब तक मुझे रहना है, जीना है, प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है। एक घंटे के अंदर सारे दुनिया में कवर पहुंच गए थे, दुनिया भर से फोन आना शुरू किया। सबको ये चिंता था, वर्गी साहब कैसे, ये चिंता था सबके ऊपर। मेरे प्रभु को बहुत धन्यवाद किया, दुनिया के तमाम लोगों ने मेरे बारे में चिंता करते, मेरे लिए प्रार्थना करता है। हमारे हर एक कई साथी लोग, सेवक लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विदेश में से फोन आकर के बोल रहे, प्रभु आपको संभालेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे संभालेगा, प्रभु की सेवा में और आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जीवन देने वाला प्रभु। रोमियों की पत्री 8 अध्याय है, उसकी 32 जरा पढ़िए। रोमियों की पत्री 8 अध्याय है, उसकी 32 आयत। कल रात को प्रभु मुझे दिया था, मैं उस विश्वास आज उसी वजह लेकर मैं सवेरे प्रचार किए थे। कल शाम को मेरे पास फोन आया, आज एक सुमित में प्रचार करना है, गवाही देना है। प्रभु ने मदद किया, उसी आयत मुझे दिया था उस समय पर, रोमी 8:32। अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उन्हें हमारे लिए दिया है तो उसके साथ हमें और कुछ क्यों नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, हमारी हर एक अवस्था जानने वाला प्रभु, हालेलुया। कल बाबूचर्या ने कल फोन करके बोला था, आपको आगे दौड़ना है, आपको दौड़ना है, आपको बैठने का नहीं है, आपको दौड़ना है। प्रभु आपको ताकत, आप कभी मत सोचो मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। प्रभु आपको सजाने चाहता है और आप काम कर प्रभु चाहता है। ऐसे कई प्रभु के दासों ने, कई हिंदुस्तान से नहीं, कई लोग फोन करके बोला आपको बैठने का समय नहीं है, अभी आपको दौड़ना है प्रभु के लिए। मैं हिम्मत करता हूँ जब तक प्रभु मुझे संभालेगा, मैं विश्वास में आगे बढ़ता हूँ, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेवा को बढ़ाना है, डूंगरपुर में आगे बढ़ना है, डूंगरपुर की सेवा बढ़ाना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रार्थना का एक झुंड हमारे अंदर होना चाहिए, 24 घंटा प्रार्थना करने के झुंड को हमने देखा है। 24 घंटा, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है, 24 घंटे वे प्रार्थना। उसी कलीसिया में 20-25 लोग जमा होते रहते हैं, सलोन वे कुछ भी नहीं करता, प्रार्थना ही करता है। लोग अपने आप आते रहता है, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ऐसे कार्य करते हैं। हम विश्वास के साथ, हमारा कलीसिया प्रार्थना के लिए से बनना चाहिए, प्रार्थना के लिए से बनना चाहिए। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, व्यर्थ बातों में नहीं, प्रार्थना के लिए अपने समय को बिताइए। वहाँ परमेश्वर कार्य करता है, हमने अंगों से देखा है प्रभु कार्य करेगा। अब उनको जाना है, 2-3 महीने के अंदर वापस उनको पंजाब पूरा घूमना है, यूपी पूरा घूमना है। यूपी में प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत काम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ मारपीट होता है, जेल में डाल देते हैं, पुलिस पर ले जाता है, लोगों के अंदर डर नहीं है, ये हमने देखा है। लोगों के अंदर डर नहीं है, पुलिस वाला पकड़ के ले जाए कोई दिक्कत नहीं, मारता है, कोई डर नहीं है, मरने के लिए हम तैयार है।
लेकिन प्रभु के लिए जीते लोग, प्रभु के लिए खड़े रहते हैं। और हिम्मत को हमने देखा लोगों के अंदर से। मथुरा, आपको मालूम है मथुरा किसका जन्मस्थल है? कृष्ण का जन्मस्थल है। वहाँ हजारों के तो विश्वास लोग वहाँ हैं, हजारों के तादाद मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, वहाँ हमने आराधना के लिए जमीन भी खरीदा हुआ है वृंदावन के अंदर, वहाँ आलय बनाना है। वहाँ के वो वहाँ मुझे बपतिस्मा देना, अगले मैंने वहाँ बपतिस्मा देना है वहाँ। प्रेज द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के काम बढ़ते जाता है, कहीं रुकेगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, चाहे कोई भी सरकार आवे, कोई भी कानून बनाए, लेकिन प्रभु की महिमा होएगा। एक बेदारी और रहा है, कल मुझे छत्तीसगढ़ से बीजापुर से फोन आए थे, उनको वीडियो भी भेजा। ऐसे लोग मारते हैं, कई विश्वासियों को पकड़ ऐसे मारते, लकड़ी से मारते हैं। वो बोलते हल्लेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मार खाते ही बोल रहे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंग पाल साहब ने फोन से बोला, हम मार खाएंगे, हम मरेंगे, लेकिन पीछे हटने वाला हम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे परिश्रम का फल प्रभु देता है। बीजापुर के अंदर कुछ भी नहीं था उस समय पर, हम लोग जाकर के प्रार्थना किया था वहाँ। आजकल हजारों के विश्वासियों को प्रभु ने खड़ा किया है वहाँ। मार खा रहे, बदनामी हो रहे, सब कुछ कर रहे, अपने गांव छोड़ करके जंगल में भाग जाता है। कल एक परिवार का फोन आया, हम बस्तर छोड़ करके हम तेलंगाना में आ चुका है, क्योंकि वहाँ रहने देता नहीं है। हमारा जमीन खींच लिया, हमारा मकान तोड़ दिया है, फिर भी हम विश्वास में स्थिर रहेगा। हम भूखा रहेंगे, हम मरेंगे, लेकिन प्रभु के लिए जिएंगे। जो वचन अपने सिखाया है हम भूलेगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, ऐसे कई परिवार बोलते हैं अपना जगह छोड़ करके, देश छोड़ करके, दूसरा जंगल में जाकर कर अपने बच्चों के साथ जंगल में जाकर रह रहे। बड़ा दुख हो रहा है सुन करके, लेकिन वो विश्वास में लोग बोलते हैं हमारे अंदर विश्वास है, हमसे क्लेश छोड़ करके हम जाएंगे प्रभु के राज्य में, हमारा प्रभु आने वाला है करके विश्वास करता है। उनकी हिम्मत देख करके हमारा दिल भी खुशी से भर गया है। कितना भी परेशानी हो, कितना भी तकलीफ हो, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। हमने बोला कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, प्रभु आप लोगों को संभालेगा। प्रभु सलोड़, प्रभु मदद करता है, प्रभु सबको रक्षा करता है। इतना परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, विश्वास के लिए खड़ा रहना, विश्वास के लिए श्रद्धा से खड़े रहना, प्रार्थना में लगे रहना, पीछे मत हटना। तकलीफ आएगा, प्रभु ने कहा संसार में क्लेश होता है, लेकिन हिम्मत बांधो, मैं तेरे संग। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 16 का 33 आयत, यूहन्ना 16 अध्याय 33 आयत पर बंद करूँगा, समय वो तो चुका है। 16:33, हाँ, तुम्हें फिर शांति मिले संसार में। हाँ, क्लेश होता है, परंतु ठाटस बांधो। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, जगत के अंदर तक मैं तेरे साथ रहूंगा, जगत के अंदर तक साथ रहूंगा। प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, पहले मुझे पाँव उठाना दिक्कत था, अब मुझे पाँव उठा सकता है, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, प्रभु ने मुझे हिम्मत देता हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का वचन हमारे साथ है। हम वचन के ऊपर विश्वास करना, वचन के ऊपर, यीशु के ऊपर भरोसा रखना। दुनिया में धोखा देगा, दुनिया में छोड़ देगा, लेकिन प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हमने लिस्ट बना कर रखा कहाँ जाना अगले 2-3 महीने के अंदर। यूपी पूरा जाना, हरियाणा जाना, पंजाब का पूरा डिस्ट्रिक्ट में जाना, हर जिले जिले में जाकर के प्रार्थना करना, ये हम चाहता है। राजस्थान का पूरा जिला एक बार हो चुका है, वो हमें दूसरे जिले में भी जाना है। हर जगह प्रभु के काम बढ़ाना है, प्रभु का कार्य, प्रभु प्रार्थना करना और कुछ नहीं करना। कोई
कलीसिया संभव कोई काम मीटिंग चलाना नहीं, आराधना कराना नहीं, हम लोग एक ही काम करते हैं, प्रार्थना करना। रास्ते पर हमारे सारे प्रबंध परमेश्वर करता है, कोई चिंता नहीं, हमको खाने का चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन समय पर हमें सब कुछ लोगों से मिलते रहता। जब हमने फिरोजपुर से जब हम चांडीगढ़ की ओर आ रहे थे, हमने सोचा हमारे पास एक घर से जो सवेरे 5 बजे घर वालों ने हमारे लिए 10 अंडा बॉईल करके उसका मिर्ची नमक सब लेकर के दिया था, रास्ते में खा लेना। हमने सोचा बस यही काफ़ी, आज का नाश्ता यही होगा करके। और वहाँ से निकला, फिरोजपुर से थोड़ा आगे जाते ही किसी ने हमारे गाड़ी के सामने हाथ दिया, गाड़ी रोक लो इधर। हमने गाड़ी रोका था, बोल रहे आप, उनको मालूम पड़ा आप लोग आ रहा है, नाश्ता हमारे पास ही खाना है। उसी प्रकार हर जगह पर तैयार खाना हमको मिलता रहता था, समय पर। हम उनको जानता ही नहीं था, दूसरा किसी ने फोन करके बोला गुजरात का एक गाड़ी है आगे, गाड़ी के नंबर उनको बताया, इस गाड़ी आ रहा है, उस गाड़ी में 10 लोग, उनका खाने का प्रबंध आप लोगों का करना है। प्रेस लोड हमको पता नहीं था, प्रभु ने सारे प्रबंध करके हमारे लिए रखा, कोई कमी होने नहीं दिया, एक समय पर भी भूखा रखना नहीं पड़ा। प्रभु सारे प्रबंध किया, गाड़ी का डीजल का प्रबंध प्रभु ने किया, हम विश्वास से निकले थे, प्रभु ने हमें मदद किया, सहायता किया। ये प्रभु महान प्रभु है। कोई केरल का लोग नहीं था, हम केवल 5 ही केरल का लोग था, लेकिन बाकी हमें खिलाने वाले पिलाने वाले यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का लोग हमको खाना खिलाया, सब प्रबंध करके हमको, उनको एक दो लोगों के अलावा हम किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने प्रबंध पहले करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। यही हम रात को सोते हैं, सवेरे 5 बजे उठने से पहले हमारे लिए नाश्ता तैयार करके पाए करके दिया करते थे, आप लोगों को खाना खा लेना। प्रेज द लॉर्ड। इतना प्रेम देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, कोई कमी होने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हमारे साथ रहे। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना, प्रभु आगे भी डूंगरपुर में, मैं विश्व डूंगरपुर में काम होना है, डूंगरपुर में हजारों में विश्वासी लोग आना है, हम ऐसे प्रार्थना करें। प्रार्थना पीछे नहीं, प्रार्थना में लेकर रखो। हम धन की चिंता नहीं, पैसे की चिंता नहीं, हर रास्ते प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से आप लोग प्रार्थना करना, इसी राजस्थान को जीतना है अपन को, डूंगरपुर को जीतना है, डूंगरपुर को जीतना है। डूंगरपुर में एक व्यक्ति भी मसीह बिना नष्ट नहीं होना चाहिए, हर गांव गांव में प्रभु की सेवा बढ़ना चाहिए। प्रार्थना करना, हम कुछ ही नहीं करना, केवल प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। प्रभु आत्माओं को लेके आना, आत्माओं को लेके आना, आत्माओं को लेके आना, प्रभु लेके आएगा। हमको कहीं जाने का जरूरत, अपने आप लोग आ जाएगा, हम विश्वास करें। बीमार चंगा होना चाहिए, दुष्टात्मा निकलना चाहिए, प्रभु ऐसे कार्य करेगा। हम विश्वास से प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा को देखना है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, संतोष की यात्रा में प्रभु के साथ देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों के लिए, पास्टर रजी एब्रां के लिए, पास्टर पिलिपोस के लिए, पास्टर मताई वर्गीस के लिए, पास्टर अनिल के लिए प्रार्थना करें। वे लोग गाड़ी में था, थोड़ा सा उलंचन शरीर में हुआ, लेकिन प्रभु बल देने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनकी शक्ति देने के लिए प्रार्थना करें, पास्टर के लिए प्रार्थना करें। अधिशय चंगाई होकर वापस, कल मुझे रात को फ़ोन आया, मैं वापस डूंगरपुर आऊँगा, मुझे वहाँ प्रार्थना करना है। वो वापस आएंगे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनका अतिशीघ्र उनका दाव ठीक होना चाहिए, उनका चंगाई मिलना चाहिए। उस सब लोगों के अंदर हिम्मत देने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा हमारे को संभाले। डूंगरपुर कलीसिया प्रभु में आगे बढ़ना है, बहुत उन्नति को प्राप्त करना है, हजारों लोग विश्वास में आना है, गाँव गाँव
लोग आना है, कई मंडलियां साबित होना है। हम डूंगरपुर में राजस्थान के लिए प्रार्थना करें, हमारा राजस्थान, हमारा डूंगरपुर, हमारा देश मसीह का है। हम विश्वास से प्रार्थना प्रति लोग कितने परेशानी हो, कोई डरने का जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु वचन हमारे साथ है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु आने से पहले डूंगरपुर से हजार लोगों मसीह के लिए जीतना है। हम इसके प्रार्थना करें, हमारा भारत मसीह के लिए जीतना है, हमको प्रार्थना करना है। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे साथ है, वचन हमारे साथ है। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, मैं तेरे संग रहूंगा, अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया तो उस सब कुछ देंगे, वायदा किया है, सब कुछ हमें मिल जाएगा। हमको डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा अपने कार्य को करता है। हमारे पास केवल प्रार्थना के लिए समय को निकालना है, दुनिया की दुनियादारी के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए समय को निकालना है। प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु कार्य करेगा। एक महान जागृति हमारे देश में आ चुका है, इसको आगे बढ़ाना है, इस जागृति को आगे बढ़ाना है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाजल वरवर शौडाराले पंच प्रभनादे आजल वाजल जौडाराले सैदकामन जौडाराले लादा, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से तमाम रुकावट दूर होने पाए, शैतान के बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए। ओ लोगों को रोकने वाली अंधकार की ताकत यीशु को जाते रहे, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी जलाल, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी 2022 11 महीना छोड़ के चला गया, ये 12वें महीने आखिरी महीने के पहले प्रभुवार को हम तेरे चरणों में आए हुए हैं। प्रभु पिछले दिनों में हर एक को संभाला, हर एक को साथ रखा, सुरक्षा किया, सफर में भी रक्षा किया, दुर्घटना से बचा कर रखा, हर एक प्राण को संभाला। हम धन्यवाद करते हमारे कलीसिया का एक एक भाई बहन बच्चों को संभाल। प्रभु तरखा तो सौंदर्य प्रार्थना करने वाले कलीसिया बन जाए, बेदारी का कारण बनने पाए, बेदारी बनने पाए मेरे देश के अंदर। आत्मा कार्य करना चाहिए, प्रभु तेरे पौत्र आत्मा कार्य करने, एक एक ऊपर अपने आत्मा उंडेल दे। प्रभु जी हम जागृति को देख चुका है, जागृति देख चुका है, आ चुका है, ये आगे बढ़ने पाए, तेरे महिमा के लिए होने पाए। सारे बीमार अच्छा होना चाहिए प्रभु, पहली सदी में जो उससे बढ़कर एक हम देखने पाए। प्रभु जी हम सब होंगे तेरा तो सौंदा संतोष के सवर में साथ दे, सही साधर सेवा करके वापस आने में संभाल, तुम्हें रक्षा कर उदावंदा, तमाम कार्यक्रम तेरे हाथ में सौंदा है। प्रभु जी हमारे प्रयास लोग सही भाई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रजिए ब्रां के लिए उनका संभाल, उनकी रक्षा कर, उनका हड्डी जुड़ने पाए, अधिशीघ्र चाहे वापस भी जाने के लिए सहायता करें। पर शपील पोस के लिए धन्यवाद करते, अनिल माथ्यू के लिए धन्यवाद करते, नताई वर्गीस के लिए धन्यवाद करते, तेरे तमाम दासों की रक्षा कर, हम वापस एक साथ मिलकर तेरी महिमा करने के लिए सहायता करें, तेरे आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। मुझको भी ताकत दे, शक्ति दे, ही आओ दे, सामर्थ्य बल दे, यीशु के नाम में बल दे खुदावंदा। तो सामर्थ्य देने वाला हमारे कलीसिया का एक परिवार, राजस्थान का हर कलीसिया, हिंदुस्तान का कलीसिया, हर महिमा आगे बढ़ने पाए, तेरे महिमा करे सब कुछ होने पाए। हर एक को बिछा आज गाँव में जो आराधना हो रहा है वहीं आत्मा कार्य करने पाए, हाँ सबको सहायता करे प्रभु जी। अब वो वापस अपने घर जाएंगे, होंगे साथ, गाड़ियों में उनकी रक्षा कर, जो नहीं आ सका उनके धन्यवाद करते, जो हमारे बच्चे नहीं आ सका, जो नौकरी में है पढ़ाई में है, उन सबों के साथ रह, देश देश में सबको सहायता करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ। अपनी शिका निग्रह पिता पर का प्रेम आत्मा का संग स्वागिता तमाम पौत्र यीशु आगमन तक हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। बोला प्रभु यीशु मसीह की।
चंगा करने वाला यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।